फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। आई डोंट नो आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी। आज हम सब मिलके गए थे कालका मंदिर दर्शन के लिए और काफ़ी अच्छा लगा। अब तो पहले जैसा नहीं है, इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है। और ये है आपका नेहरू प्लेस का, ये जाने का ये रास्ता। और ये है रिशा और इसके पापा। उसके पहले मैं आपको कालका जी का जो बैक साइड है वो मैं आपको दिखा दूं। ये कालका जी मंदिर का ये बैक साइड है। इस गेट से बाहर निकलते के साथ ही जो है आपको ये सामने यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार आपको दिख जाएगा। और ये आपका ठीक कालका मंदिर का जो मेट्रो स्टेशन है ये उसके नीचे ही ये बना हुआ है। और यहाँ पर यह आपको कार पार्किंग का भी जो है स्पेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जो ये पाथवे है ना, ये बहुत ही सुंदर है, वो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में मैं दिखाती हूँ। ये ऊपर आपका कालका मंदिर का मेट्रो स्टेशन है, ये जस्ट उसके नीचे ही है ये स्मार्ट बाज़ार। ये अभी जस्ट नया ओपन हुआ है और इसके पहले यहाँ पे ना बिग बाज़ार हुआ करता था जो कि अभी बंद हो गया है। और ये जस्ट कालका मंदिर से पीछे ही अगर आप जाओगे ना तो ये बिल्कुल रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए, ये है अभी जो नया ओपन हुआ है। और ये जो पाथवे है ना बहुत ही प्यारा है। ये जो पाथवे है ना, ये फुटपाथ मतलब ये जो रास्ता है, दोनों साइड पेड़ है, अच्छा है काफ़ी ना। मैं हाँ कर रही हूँ, आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को। काफ़ी टाइम के बाद जो है हम लोग निकले हैं। चलिए हम लोग ऑलमोस्ट जो है पहुँच चुके हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। बस हम लोग पहुँच चुके हैं और ये है एंट्रेंस। यहाँ बाहर ही जो है आपको एटीएम भी मिल जाएगा। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये मेट्रो स्टेशन जाने का ये रास्ता। और ये है सामने आपका एटीएम और वो रहा वहाँ पे आपका स्मार्ट बाज़ार। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे एटीएम भी है, अगर आप लोगों को पैसे वगैरह उठाने हैं तो आप वो भी उठा सकते हैं यहाँ से। और ये है ओवरऑल व्यू, अंदर जाके भी मैं दिखाती हूँ अगर अलाउ रहा तो। और यहाँ पे रिशा कुछ तो दिखा रही थी मुझे, शी विल वॉक लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऐसा करके। तो बस वो भी अपना मस्ती कर रही है यहाँ पे। वी आर गोइंग इनसाइड। और ये ठीक अंदर घुसते के साथ ही जो है आपको सामने कुछ इस तरह से आपको आइटम्स मिलेंगे। और यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल जो है ग्रोसरी आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको यही सब है। हाँ, कुकिंग एसेंशियल्स भी थे और आपको बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, यानी कि बैकपैक और या फिर ट्रैवल बैग। और यहाँ पे आपको इस तरह से जो है, अच्छा, डायपर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डायपर्स वगैरह में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, लिक्विड हैंड वॉश, लिक्विड सोप, इन सब में डिओड्रेंट, इन सब में जो है काफ़ी ऑफर्स था। और इसी ऑफर में मैंने भी कुछ एक दो आइटम मैंने भी ले लिया है यहाँ से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है ये कुछ इस तरीके से है। और मैं यहाँ पर ना क्रॉकरी आइटम मैं ढूँढ रही थी सेक्शन की कहाँ पे है, तो वहाँ से जो है मैं कुछ मुझे लेना भी था बट मुझे मिला नहीं था, पर बहुत कम था। और ये जो वाइपर है ना, ये विशाल में मैंने 19 रुपीज़ में लिया था और ये यहाँ पे 50 रुपीज़ में मिल रहा था। क्वालिटी 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कुछ अलग नहीं लगा। 19 और 50 रुपीज़ में दोनों ही सेम ही क्वालिटी था, पर थोड़ा सा मुझे महंगा लगा। और यहाँ पे वैसे चीज़ें जो है ना ये थोड़ी महंगी मुझे लगी अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस,
और पर ठीक है, एक ही छत के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कैसरोल सेट्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे, क्यूट से थे। एक आपका ग्रीन कलर का था, वो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत क्यूट था, पर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो फिर मैंने नहीं लिया, पर ऐसे मेरा बस चलता तो मैं ले ही लेती। वो आपको आई डोंट नो वीडियो में कैप्चर हुआ है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है अभी फ़िलहाल, पर जहाँ तक मुझे लगता है मैंने शायद लिया था। तो ये है कुछ इस तरीके से कैसरोल सेट जो था यहाँ पे, सारे जो है बहुत अच्छे अच्छे थे और बहुत ही प्यारे थे और ठीक था, रीज़नेबल रेट में था। ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे जो आपको रीज़नेबल रेट में आपको मिल रही थी और कुछ चीज़ें थी जो मार्केट रेट से भी हाई रेट में मिल रहा था। ये देखिए, इस ग्रीन कलर के कैसरोल की मैं बात कर रही थी, ये सेट ऑफ थ्री था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मुझे, थोड़ा अलग था, नया था। और मैं इनको कह रही थी कि आप मुझे एक बार थोड़ा खोल के दिखाइए, तो ये मान गए। इनको वैसे पता चल गया था कि मैं लेने के लिए मैं बोल रही थी बार बार, पर एनीवेज इन्होंने फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो फिर लेने लेके क्या फ़ायदा है ना। और यहाँ पे है ये क्रॉकरी आइटम। डिनर सेट वगैरह भी ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा था ऐसा भी नहीं बोलूँगी, ठीक था और कुछ इस तरीके से था। और नीचे जो है कांच के आइटम्स भी थे, बोरोसिल के आइटम्स बहुत सारे थे। और यहाँ पे जो है बाय वन गेट वन का भी आपको ऑप्शन मिला, ऑफ़र का बहुत चल रहा था, तो अगर आप लोग कोई अगर आके लेना चाहते हैं, अगर यहाँ आसपास कहीं रहते हैं तो आके ज़रूर से देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए। ट्रे वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे थे और आपका यहाँ पे बाय वन गेट वन के ऑफ़र बहुत चल रहे थे, तो अगर आप लोग आके अगर आप लोग परचेज़ करते ना तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के जो प्राइजेस वगैरह लिखे हुए थे ना, वो थोड़ा कुछ कुछ जगह काउंटर्स पे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मेरे हस्बैंड ये कॉफ़ी मग का जो है प्राइस पूछ रहे थे, और ये नहीं दूसरा था एक और, उसका प्राइस पूछ रहे थे, तो वो ना जो वहाँ पे लिखा हुआ था उससे कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट था। और आपका जो है ये कॉफ़ी मग मुझे बहुत पसंद आया था, ये इनफैक्ट ऑनलाइन पे भी 250 रुपये का ही है और यहाँ पे भी जो है 250 का ही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है सेम रेट में ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लास आइटम्स पूरे रखे हुए थे, जग्स बहुत प्यारे प्यारे थे, और मेरे हाथ में ना जो कांच की चीज़ें ना जल्दी टिकती नहीं है, इसलिए मैं कांच से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। और कॉफ़ी मग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे, और ये बॉटल बियर ग्लास ये भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ना इन सब चीज़ों क्रॉकरी आइटम के ना मुझे शौक, भले यूज़ हो चाहे ना हो, मेरा मन करता है कि बस मैं लेती जाऊँ, कलेक्शंस रखती जाऊँ घर में। पर मेरा किचन आपने देखा ही है, वो कितना ही बड़ा है, तो उसमें मैं कहाँ पे क्या ही रखूँ। और यहाँ पे जो है ये बोरोसिल के आइटम्स है, कंटेनर्स थे, बहुत ये भी बहुत अच्छा था और ये भी मुझे रीज़नेबली लगा, मुझे बहुत ज़्यादा तो प्राइस ही नहीं लगा। और यहाँ पे ये बच्चों के सेक्शन में भी है, यहाँ पे टॉयज़ सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये पूरा जो जो रो है ना, ये पूरा रो ही जो है बच्चों का है, काफ़ी यहाँ पे टॉयज़ है, काफ़ी सारे जो है नए आइटम्स भी है, और रीजनेबल ठीक ठाक रेट था यहाँ पे। और रीशा यहाँ पे बस घुस गई थी, उसे पता नहीं, उसे अपनी चीज़ पसंद की कुछ तो उसको चाहिए था, तो वो अपना देख रही थी और हम यहाँ पे अपना देख रहे थे। দামগুলো একটু কনফিউজিং আছে বল এখানে यहाँ से फिर हम जो है उसके साइड जो रो था वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका टाल मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह भी थे। बेडशीट्स में था आपका बाय वन गेट टू ऑफर।
ये यहाँ पे टॉवल्स के आपको प्राइजेस आप देख ही रहे हैं। ये डोरमैट दे सॉरी ये ना बाथरूम के लिए मैट देख रहे थे, तो इन्होंने जो ये बाहर जो रखते हैं ना, इन्होंने वो पसंद किया था। मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह के फैब्रिक में लो, ये आपका माइक्रो फैब्रिक में था और आपका नीचे जो था आपका एंटीस्किट आपका लगा हुआ था, रबड़ था। तो इसका प्राइस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा, ये देख के तो पसंद आया था पर ये कह रहे थे कि ये लाइट कलर है तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं, पर जब प्राइस देखा ना तो ये 450 का एक बता रहा था और जबकि मुझे ऑनलाइन में ये 250 रुपये में मुझे मिल रहा था, और वो भी माइक्रो फैब्रिक का है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो कुछ नहीं मुझे लगता मैं गलत ही बोल रही हूँ। और यहाँ पे ये डोरमैट्स वगैरह का सेक्शन है जो कि मुझे बहुत महंगा लगा, मुझे बाथरूम के लिए तो लेना ही था, अगर मिल जाता अगर रेंज में तो मैं ज़रूर यहाँ से ले लेती। और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे हुए थे डिफरेंट। इसके बाद हम लोग बेडशीट के सेक्शन में गए थे, जैसा मैंने बताया था बाय वन गेट टू फ्री, पर इसका आप अगर प्राइस मतलब सुनोगे ना आप मतलब बेहोश हो जाओगे, मतलब मैं तो हो गई थी। 2000 रुपीज़ का एक एक बेडशीट, यानी कि 2000 रुपये में आप एक बेडशीट लोगे, उसके साथ आपको दो बेडशीट आपको फ्री मिलेगा। और ये कोई कोल्ड सेट नहीं था, ये सिंपल आपको बेडशीट था विथ टू पिलो कवर्स, और ये कोई किंग साइज़ भी नहीं था, नॉर्मल डबल बेड साइज़ का आपका बेडशीट। फिर वहाँ से हमने जल्दी से यू टर्न मारा और फिर दूसरे सेक्शन में आ गए थे। और यहाँ पे ये ना बैग्स वगैरह ये बहुत अच्छे थे, अगर आप शॉपिंग बैग्स अगर आप लोग बड़े साइज़ का आप लोग लेना चाहते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा था, क्लोथ बैग था और अच्छा था यहाँ पे। और ये जो था ये आपका रीजनेबल रेट था, ये यहाँ पे आपका योगा मैट्स भी है और बैग्स वगैरह भी है यहाँ पे। ये जो ऊपर का ये जो सेक्शन है ना, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अभी जो ब्लैक कलर का बैग रखा, ये पूरा ही जो है आपको इस तरह के क्लोथ बैग में आपको सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको किचन टॉवल्स वगैरह मिल जाएंगे और नीचे और आपको ऊपर जो है योगा मैट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ का जो है आपको शॉपिंग बैग आपको मिल जाएगा। ये साइज़ भी ये जूट का था, ये भी बहुत अच्छा था। और ऊपर जो है आपको कुशंस वगैरह मिल जाएंगे, कर्टन्स भी थे वहाँ पे। और ये यहाँ पे जो है येलो कलर का जो है ये आपका, ये इस रो में जो है पूरा आपका कुशन कवर्स वगैरह रखा लगा हुआ है। तो 130, 129। यहाँ पे भी जो है आपके ये छोटे छोटे जो है बास्केट्स और ट्रे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज़र के पर्पज़ से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको राजमा वगैरह के भी जो है ग्रोसरी आइटम्स बेसिकली वो भी यहाँ पे रखा हुआ था, एलमंड्स वगैरह। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में भी जो है यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था, तो ड्राई फ्रूट्स तो था घर में इसलिए हमने लिया नहीं। और पर हाँ, पर ऑफ़र बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम यहाँ से चले गए थे दूसरे काउंटर में, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो ना इसके बहुत ऐड आ रहे थे कि 9 रुपीज़ केजी ऑनियन, 9 रुपीज़ केजी शुगर। तो हम यहाँ पे जब आए तो फिर यहाँ पे जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो भी प्राइजेस थे वो मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। टू बी ऑनेस्ट, कोई फ्रूट्स नहीं लिया, कोई वेजिटेबल नहीं लिया, क्योंकि सारे ही जो है बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। यहाँ पे इसका जो प्राइस लिखा हुआ था बहुत ही महंगा था। और फिर हमने यहाँ से जो है कुछ भी नहीं लिया। एक मुझे चीज़ श्रेडेड चीज़ मुझे लेना था, तो वो भी मैंने लिया तो था पर फिर मैंने बाद में जो है उसको स्किप कर दिया कि नहीं बाद में ले लेते हैं, क्योंकि अभी इतना अर्जेंट कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे वो सारे फ्रोज़न आइटम्स वगैरह रखे हुए थे। और यहाँ पे अनार जो था ना, अनार बहुत ही बड़े साइज़ का था, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल साइज़ का ही था। तो यहाँ पे सेव के जो है काफ़ी सारी क्वालिटी के रखे हुए थे और प्राइजेस वगैरह आपके सामने है। ये चिंग्स का इंस्टेंट सूप, और यहाँ पे ना मैंने पहली बार देखा सोयाबीन मिल्क भी यहाँ पे जो है टेट्रा पैक में अवेलेबल था। ये मुझे सिलिकॉन का लगा था, पर मुझे अगर सिलिकॉन का होता तो मैं पक्का से जो है इसको ले लेती,
और ये आपका सोयाबीन मिल्क, और यहाँ पे जो है सारे आपकी फ्रोजन आइटम और रेडी टू ईट आइटम्स था। मुझे ये पिज़्ज़ा श्रेडेड चीज़ मुझे लेने का बहुत मन था, और इनको जो है फ्रोजन मटर का, तो शफल का तो यहाँ पे था पर पता नहीं इन्होंने लिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। इन्होंने भी उठाया था मेरी तरह, पर इन्होंने भी वापस से जो है रख दिया। और ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी इसका यूज़ हो जाता है। एक तो इसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बस ऊपर से जो है स्प्रेड कर दो। और ये कुछ 124 रुपीज़ का था ये। আর বেস্ট ফার্মের নিলে বাই ওয়ান গেট ওয়ান 1 কেজির। और यहाँ पे रीशा जो है अपना कुछ तो पेपर बोर्ड का कुछ जूस दिखा रही थी, बता रही थी कि वो भी उसके स्कूल में मिलता है, ईच 10 रुपीज़। मैंने बोला अच्छा ठीक है। इस सेक्शन में ना आइस ट्रे वगैरह, मुझे लगा ये सिलिकॉन का है पर ये सिलिकॉन का नहीं था, प्लास्टिक का था। और यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे डब्बे हैं ना, ये सारे आपके प्लास्टिक के ही है। अगर ये आपका दूसरे फैब्रिक का, दूसरे मटेरियल का होता, स्टील का या फिर आपका स्टील का अगर बेसिकली होता ना, तो फिर मैं यहाँ से ये ले लेती। ये सेट ऑफ 3 था, एयर टाइट था, पर मुझे टिफ़िन बॉक्स के लिए मुझे थोड़ा चाहिए था एयर टाइट कंटेनर, और प्लास्टिक का नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें गर्म चीज़ें रखते हैं तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं रहता है। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के कुछ ग्लास प्लेट्स वगैरह, आपके एक बाउल्स वगैरह, ये सब रखे हुए थे, और ये डब्बे वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से जो है, ये कांच के आइटम्स है, बर्नर्स है, और इसकी स्पॉन्ज वाइप, ये डस्टबिन, और यहाँ पे डस्टबिन नहीं था सॉरी, ये था आपका जार पानी का, ये टिफ़िन था। अगर इस तरह के मटेरियल में मुझे छोटा अगर मिल जाता ना, तो मैं रीशा के लिए मैं ले लेती, क्योंकि स्कूल में ना कभी कभार ना ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह के कंटेनर्स की। तो पर मुझे ना छोटे साइज़ का मुझे मिला नहीं यहाँ पर। और चाकू वगैरह भी बहुत अच्छा था, पर उसका प्राइस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगा एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। जो इनके प्राइस थे वो यहाँ पे ना मार्केट रेट से मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। यहाँ पे आपका नॉनस्टिक का और आपका जो है यहाँ पे आइटम आपको मिल जाएगा। ये जो तवा था ना, ये बहुत हेवी था, मुझे लगा कि ये कास्ट आयरन का है, पर ये कास्ट आयरन का नहीं था, ये था आपका नॉनस्टिक फ्यूचुरा का, और ये पर बहुत हेवी था। मुझे एक इसी तरह का फ्लैट जो है, एक तवे की रिक्वायरमेंट है, पर वो अभी जो कि मेरा इंडक्शन में भी चल जाए, पर ये इंडक्शन बेस नहीं था। और ये छोटी सी कढ़ाई, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी, तो मैं ऐसे ही बस उठा के देख रही थी। और ये नीचे जो है ये स्टील का था, वो भी काफ़ी हेवी था। और इस तरह से मैं किचन आइटम्स में एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे किचन आइटम्स जो है एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। ये सारे जो है फ्यूचुरा के आइटम है, और जो है ये जो स्टील के भी ना यहाँ पे कढ़ाई वगैरह रखी हुई थी, वो उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी है। इतना हेवी था ना कि बस मन कर रहा था कि बस इसको ले ही लो, पर कढ़ाई वगैरह की रिक्वायरमेंट थी नहीं। किचन के आइटम्स में आप मुझे जितना दोगे या मुझे जितना ऑप्शन मिलेगा ख़रीदने का, उतना ही मेरे लिए कम है, कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये जो स्टील की जो कढ़ाई है ना, बहुत इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और बहुत भारी था। ये है छोटा, सिर्फ 22 इंच का, पर ये बहुत हेवी था, बहुत ही अच्छा था इसका क्वालिटी।
अगर आप लोग में से अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली जो है वो लो आप इसको। और इसका ये फ्राई पैन ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का था, पर ये सारे जो है इंडक्शन फ्रेंडली नहीं थे, और पर क्वालिटी इनकी जो है बहुत अच्छी थी। मुझे अगर भगोना मुझे अगर थोड़े बड़े साइज़ का मिल जाता ना तो मैं ट्राई करती अगर प्राइस अगर मुझे बजट में मिलता तो। और ये था नोबिता का आपका थर्मल हॉट एंड कोल्ड वाटर बोतल। ये इसकी ये ऑलरेडी एक इस ब्रांड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अभी विंटर्स जैसे कि आने वाले हैं तो हम सोच रहे थे कि एक और अगर ले लेते हैं तो फिर वो सही रहेगा। और ये ना बहुत मुझे क्यूट लगा सैंडविच वगैरह ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं बस देख रही थी। मुझे लगा था ये बॉटल जो है हॉट एंड कोल्ड बॉटल होगा, पर ये हॉट एंड कोल्ड नहीं था, सिंपल बॉटल था ये। फिर हमने जो इसे रख दिया। ये हमारा लास्ट काउंटर था। यहाँ पे ये स्टेनर्स वगैरह ना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साइजेस के और बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, और पर मुझे ना वो राइस वगैरह के लिए जो है वो बिरयानी में जो वो इस तरह के जो बड़े वाले आते हैं ना वो मुझे चाहिए था, और पर वो था नहीं, वो दूसरे पैटर्न में था तो वो मुझे नहीं चाहिए था। ये नाइफ की भी रिक्वायरमेंट थी पर जिस तरह का चाहिए था वो नहीं मिला मुझे। और फिर इसके बाद जो है हमने फिर बिलिंग काउंटर में बिल करवाया और फिर हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे। यहाँ पे ये बाहर निकलते के साथ ही गेट के बाहर ही ऑटो स्टैंड है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर जिस रास्ते से हम आए थे यानी कि कालका मंदिर के रास्ते से वहाँ से भी आप जो है जा सकते हो। तो हम फिर उस साइड में हम लोग नहीं गए, बैक साइड में हम लोग इस साइड डायरेक्ट जो है आ गए थे। तो घर आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 हो रहे हैं। और अभी क्या क्या लिया हमने वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये न्यूट्रेला, ये छोटा वाला लिया है, और ये मल्टी ग्रेन ब्रेड ये लिया है, और इस पे ना बाय वन गेट वन का ऑफर था तो ये हमने दो डिफरेंट फ्लेवर का लिया है, एक ये है और एक ये है अचारी मस्ती। और ये दो डीओ लिया है, ये हमें 225 का दो मिला, उसके साथ ही निविया का ये टैल्कम जो है ये फ्री था। और लिया है ये सॉल्टेड पीनट, और लिया है ये पॉन्ड्स क्रीम, और चीनी हमें मिला 9 रुपये किलो, ये 1 kg चीनी। हमारा कितना टोटल हुआ था 700 का कुछ बिल हुआ था, तो जिसपे ऑफ़र था कुछ आपका कि 9 रुपये किलो के आप या तो 1 kg चीनी लें या फिर 9 रुपये kg के हिसाब से आप 2 kg प्याज लें, तो
प्याज तो है घर में, कल ही लिया था तो। और ये इसलिए हमने प्याज नहीं लिया, ये चीनी ले लिया, चीनी तो यूज़ नहीं आ जाएगा। ये 1 किलो हमने 9 रुपये किलो हमें 1 किलो का चीनी पड़ा, बस यही लिया। और एक माउंटेन ड्यू लिया था जो कि रास्ते में इन दोनों ने मिलके ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।